मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज 19। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पछवाड़ा के कन्या महाविद्यालय में विकास के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगता नजर आया। वहीं कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने शिक्षकों के अभाव में गेट पर तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा की अनुशंसा पर रामगढ़ पछवाड़ा में कन्या महाविद्यालय इसी सत्र में शुरू हुआ है, जिसमें शिक्षकों के अभाव के चलते 130 छात्राओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कन्या महाविद्यालय की छात्राएं विगत 2 माह से एक कंप्यूटर शिक्षक के सहारे पढ़ाई कर रही हैं। साथ ही बता दें कि कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने विगत 2 माह में 3 बार SDM कार्यालय पर शिक्षक लगाए जाने की मांग कर चुकी हैं, मगर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसे लेकर समस्या है। हमारी कॉलेज कन्या महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी है। 2-3 महीनों से खुली हुई है कॉलेज, फिर भी हमारे कॉलेज में कोई भी एक भी टीचर नहीं आता। एक टीचर आता है, कभी कुछ चले जाता है। में क्या समस्या बेटे? हमारे कॉलेज ना 1 महीने से खुला हुआ है, यहाँ पे ना कोई टीचर नहीं आता है। या एक सब्जेक्ट का आता है ज्योग्राफी का, फिर चला जाता है 6 दिन के बाद में। फिर ना पॉलिटिकल का आया तो वो भी 6 दिन के बाद में चला गया, और हिंदी साहित्य का भी वो भी चला गया। अब कोई टीचर नहीं है और हमें कोई पढ़ा भी नहीं सकता, वो कंप्यूटर के अलावा कोई नहीं पढ़ाता। आपका नाम? तनु गौतम। गुस्साई छात्राओं ने महाविद्यालय के गेट पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज 19।